हाँ विरह के श्रोता साथियों, एक और विरह आपके बीच में हम ऐतिहासिक विरह प्रस्तुत करते हैं। विरह का शीर्षक है अशोक सम्राट की वीर गाथा। वीरस के अंदाज में नहीं उठा के आवा मास्टर बा रक्त की रोहिणी आई वो फाल पे लाश के लोथड़े बह रहे थे समर में किंदगी दर गला फार कर चीखते लड़ रहे स्वाम यो चील कौवे कदर में आह से या समा सत आहत हुआ धार्य धरणी में बिल्कुल रहा ना सबर में रुंड मुंडों से रण क्षेत्र यूं पट गया दिल में दहशत का माहौल था हर बसर में। गौर करेंगे बाबूजी, हम विरह गायक रामराज मौर्य वे साथी हमेशा आपके बीच में वीरस के अंदाज में विरह सुनाया करते हैं। आज सौभाग्य है समा फिल्म के माध्यम से यह एक विरह ऐतिहासिक आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। अशोक सम्राट के नाम से लोग लगभग सब लोग परिचित हैं। महान सम्राट अशोक का नाम इतिहास के पन्नों में आज उजागर है साथियों। लड़ाई के मैदान में जब अशोक सम्राट चलते थे तो उस समय भाव कवि जी दिए कि रक्त की रोहिणी आई उफान पर लाश के लोथड़े बह रहे थे समर में। अरे उस समय गिद्ध गीदड़ कलरव कर रहे थे, खुशी में चिल्ला रहे थे, स्वान कुत्ते उस लड़ाई के मैदान में मांस खा करके आघा रहे थे, हे बाबू चील और कौवे मिड़ा रहे थे। बताया जाता है लड़ाई के मैदान में कलिंग की लड़ाई जब जीतते हैं अशोक सम्राट, आह ये धरती आह से आहत हो उठती है। धरती के अंदर जरा सा धैर्य नहीं रह गया उस रुदन और कराह के आवाज को सुन करके। इतने ना रुंड से मुंड, मुंड से जो है पूरा धरती रण क्षेत्र पट गया था। लोगों के दिल के अंदर दहशत था। लड़ाई तो जीत गए कलिंग का, लेकिन विजय का जश्न मनाने में हिम्मत नहीं कर रहा है। एक ठे कव्वाली का टुकड़ा लग गया मास्टर। ओहो हो, किसी शायर ने कहा है सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। लेकिन विरह के अंदर कहना है हर सुन के करुण कराह, सुन के करुण कराह से पत्थर पिघल गया। मातम निगल गया,
बिरहा के शुरुआत बा। कैसे मास्टर? हे चंद्रगुप्त मौर्य के संतान बिंदुसार, दुश्मन के आगे युद्ध में माने न कभी हार। माता पिता सुभद्रांगी सम्राट बिंदुसार, उन्हीं से देवनांग पैदा हो पाए प्यार। करेंगे बाबूजी, इतिहास की बात आपको समझ में आ जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य वंश की उत्पत्ति बताई जाती है। इतना ना है बाबू, उन्हीं के लड़के बिंदुसार, बिंदुसार के बाद बताया जाता है देवानंग प्रिय और अशोक सम्राट, उनके वंश की तमाम ऐसी जो है घटनाक्रम बताई जाती है। सारे राजाओं का इतिहास आपके सामने आता जाता है। ए बाबू, पिता के बाद अशोक सम्राट जब गद्दी के अधिकारी होते हैं, मौर्य वंश के कुशल महारथी हुए, जो अखंड भारत की कल्पना करते हुए दुनिया में, विश्व में मेरा भारत एक अखंड भारत के नाम से गौरवान्वित होता है। और भारत के आगे दुनिया के सारे राजा नतमस्तक हुआ करते थे। यहाँ तक सिकंदर हमारे देश को छोड़ करके भाग गया। सिकंदर को भी सम्राट का उपाधि मिला था, लेकिन अशोक सम्राट को सम्राट के साथ साथ महान शब्द लगाया गया। एक ठे गीत लग गया मास्टर यहाँ। वह गीत के लाइन बा, कौनो मेहरारू कसैया तो नहीं शराबी हुई। वो सोचत बा कि अब ससुरे रहल बेकार बा, नहीं हर जाए पड़ी। माटी हमार जवानी करत बा, कहत बका कहलस हर मटिया में मिलल जाता, मटिया में मिलल जाता, हर नहीं हरा के नूर हो की मिलल बा शराबी सैया न सब में चूर हो। जवैया लोग तरह तरह से गावल राजा भल रही है कैसे, राजा भल रही है कैसे, आखिया से दूर हो की राजा भल रही है कैसे, आखिया से दूर हो की राजा भल रही है कैसे, आखिया से दूर हो की राजा भल रही है कैसे। इधर धुन दर्ज का बात हो, आप लोग सुनत रह जाए। बिरहा वाली लाइन तो तनिक और करेंगे। हर भारत के आगे झुकल, हर भारत के आगे झुकल, सारा जहान हो की अशोक सम्राट मौर्य, अशोक सम्राट मौर्य वंश में महान हो।
इतिहास हमारा गवाही है। अरे 270 ईसा पूर्व भइल राज्य रो राज्यरोहण का विस्तार हुआ। अशोक सम्राट के शासनकाल में चोर अपराधी दुश्मन भी उनका सम्मान करते थे। बतावल जला अशोक सम्राट के चार रानियां थी। देवी करुणा की माता मावती तिय सरक्षिता रहली मध्य परायण सु भांगी संरक्षिता चार रानियां देवी करुणा की पद्मावती तिय सरक्षिता। जौना में देवी के दो संतान हुए, एक बेटा महेंद्र बेटी संघमित्रा। प्रमाण मिलता है गर्भ से दो लड़के दो बच्चे पैदा हुए, एक बेटा और एक बेटी। महेंद्र संघमित्रा जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, हम आगे गीत में बताएंगे, अशोक सम्राट उन्हें पहले लंका में भेजने का काम किए थे। लेकिन तनी देखा ही सद सम्मान अखंड भारत के परिकल्पना करे वाला अशोक सम्राट के वीर गाथा के बाद बताओ तली एठे गीत लग गए मास्टर यहाँ। और इतनी मिजाजी गीत आजकल वाला जोर लैके गावत हो कैसे। अरे रे 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 बाका न गवैया लोग बहुत गावत हुए के सूट सलवार रे जाऊ सारी चुभैला बदनिया में सबके मन का सपना एक दिन पूरा होला। सपना सकार सगर होला सबके अगनवा में शांति रूपी शासन में
सब लोग बड़े मगन बड़े हौसला के साथ रहा करते थे। हे बाबू बतावल जाला, समता समानता के बहुत रहली धारा, समता समानता के बहुत रहली धारा, करत रहला शेर बकरी सफवे गुजारा। गौर कीजिएगा बाबूजी, अशोक सम्राट के शासन काल में सारे लोग बड़े सुख से जीवन बिता रहे थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उनके राज्य में सूरज जहां से निकलता है, जहां तक अस्त होता था, संपूर्ण भारत पर, अखंड भारत पर राज करने वाले बिरहा में टेरी के लाइन लग गए मास्टर। वाह, हरे जुड़ा छाए सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा पवला प्यार प्रजा के धरती जगत सराहे यार सराहे। पवला प्यार प्रजा के धरती गगन सराहे, चुड़ाले छाहे सूर्य चंद्रमा। पहपट के अंदर बड़ी ऊंची भाव लिखल गेल। वाह, हरे अनंत नाग पर कई जहाज चढ़ाई सेना सजवाई, अब विजय पताका कलिंग पे फहराई सेना सजवाई। हरे यहाँ तो हुआ परान हो, हरे युद्ध क्षेत्र से लवट घर आए तब अशोक महान हो, हरे करुणा तजा कर बजल लगी सराई सेना सजवाई, अबौद्ध धर्म दिल से निहलाय अपनाई सेना सजवाई। नाग पर झंडा फहराने के बाद कलिंग पर लड़ाई करके जब जीत हासिल करते हैं, विजय तो मिला, लेकिन जब जश्न मनाने की बात आई, उतना खून खराबा भीषण रक्तपात देख करके अशोक सम्राट आहत हो जाते हैं। एक सब किस लिए हम कर दिए, जहां सारे लोग दुखी हैं वहां हम विजय का जश्न मनाएंगे कैसे। बतावल जाला ए बाबू, उसी समय वह नरसंहार वह खून खराबा देख करके अशोक सम्राट बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। आल्हा के अंदर बड़ी ऊंची भाव लिखल गल कैसे मास्टर। हर शिव का परम भक्त रहला पहले ब्राह्मण के उपासक, हर करत रहला पहले मास मदिरा का, हर बदल इरादा कलिंग लड़ाई के बदला,
बाबूजी, अशोक सम्राट पहले शिव के परम भक्त रहे, ब्राह्मणों के उपासक रहे, लेकिन कलिंग लड़ाई के बाद उनका विचार बदल गया। बौद्ध धर्म अपना लिए, जीवन का मूल मंत्र सत्य अहिंसा अपनाकर, और अपने बेटा महेंद्र, बेटी सुंगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिक्षा ग्रहण करवा के संस्कार दे करके उन्हें लंका में भेजने का। इतना ही नहीं साथियों, अगणित शिलालेख स्तंभ खुदवा करके बौद्ध धर्म का प्रचार कराना शुरू किए। आज जो विश्व के पटल पर साथियों संघ के आधार को वह इतिहास मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अशोक सम्राट के द्वारा अशोक स्तंभ जो बनवाया गया, आज हर सरकारी दफ्तर, हर सरकारी जगह पर, विशेष रूप से आज हमारे लाल किला पर, राष्ट्रभवन में फौजी नौजवानों के टोपी पर ये अशोक सम्राट का जो चार सिंह का चिन्ह है वो प्रमाण मिलता है अशोक सम्राट के नाम पर। आखिरी में कहना हो कैसे, सरकारी मुद्रा मोहर पर मौजूद हर चार सिंह एक गुप्त तीन के लौकत मौजूद सरकारी मुद्रा मोहर पर मिलत बा मौजूद हो। चार सिंह है तो चार सिंह, लेकिन एक आड़ में लुप्त दिखाई देता है, तीन दिखाई देता है, लेकिन है चार सिंह। बताया जाता है कि राष्ट्र के क्षितिज पे अरे भाई ना धुआं तारा अरे गावत बा इतिहास उनके अनुपम पवारा। प्रमाण मिलता है आज इतिहास में उनका गाथा गाया जा रहा है, जिस गाथा को हम विरह के माध्यम से प्रस्तुत किए बाबूजी। तजागा मौर्य बंसी तो है वक्त बा जगा वक्त हर पार्टी भाग्य देवी तो है खोप के जगा। कभी फूल चंदन